सेबी ने कल फिर से नए रूल्स निकाले हैं, नया नोटिस, नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग के रूल्स को काफी हद तक चेंज कर दिया हुआ है। इन रूल्स के बारे में बहुत देर से बात यस्टरडे। पर्सनली आई एम डिवाइडेड ऑन द रूल्स दैट द सेबी हैज नोटिफाइड। फॉर द फर्स्ट थिंग, इंडिया का जो एक रेगुलेटरी एनवायरमेंट है वो इतना ज्यादा अनस्टेबल है एज फार एज द एफएनओ ट्रेडिंग इज कंसर्न। हर 6 महीने के अंदर कोई ना कोई नया रूल चेंज हो जाता है, कोई ना कोई ऑर्डर टाइप बाहर निकल जाता है, कोई ना कोई एक्सपायरी एड हो जाती है, कोई ना कोई एक्सपायरी रिमूव हो जाती है। आई थिंक इतना अनस्टेबल एनवायरमेंट एज फार एज द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, आई हैवंट सीन एनीवेयर। कमिंग बैक टू कि ये हमें इफेक्ट किस तरीके से करेगा, जो भी चेंजेस है वो 20 नवंबर से इफेक्ट में जा रही है। सो 20 नवंबर तक जितने एल्गोरिदम्स चल रहे हैं, आई थिंक उनको चेंज करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम इट मेक्स इट रिडंडेंट कि अब इन एक्सपायरीज के ऊपर लाइक फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी, इनके ऊपर फर्दर रिसर्च की जाएगी क्या होना, बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि पर एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी रह सकती है, एक एक इंडेक्स ट्रेड हो सकता है। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू NSE निफ्टी स्टे करेगा, एंड व्हेन इट कम्स टू सेंसेक्स सॉरी BSE सेंसेक्स या बैंकेक्स स्टे करेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में वी कैन ओनली स्पेकुलेट दैट निफ्टी विल स्टे, बट बैंक निफ्टी वाज द हाईएस्ट ट्रेडेड वीकली ऑप्शन, सो देयर इज अ चांस कि हो सकता है NSE डिसाइड करे कि निफ्टी तो ऑलरेडी मंथली में चल रही है, बैंक निफ्टी को वीकली में चलने देते हैं बिकॉज द प्रीमियम्स आर मोर एंड पब्लिक माइट बी मोर इंक्लाइंड टू स्पेकुलेट ऑन दैट ऑन वीकली बेसिस। सो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। बट वन थिंग इज श्योर कि जो वीकली एक्सपायरी के अंदर 5 डे में 5 अलग अलग तरह की एक्सपायरी होती थी वो खत्म हो रही है। ओनली वन इंडेक्स कैन स्टे फॉर वीकली एक्सपायरी। दैट मीन्स गोइंग फॉरवर्ड जो ये मार्केट के अंदर स्पाइक्स आती थी हो सकता है कम हो जाए, ये भी हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए, बिकॉज जो वीकली ऑप्शंस का वॉल्यूम था जो पहले 5 एक्सपायरी के ऊपर स्टैटर्ड था वो हो सकता है सारा का सारा एक एक्सपायरी के ऊपर आ जाए। सो इट कैन बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। जो वो वोलाटिलिटी कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो वोलाटिलिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ओनली फ्यूचर विल टेल अस उसका इंपैक्ट क्या होगा। आई थिंक जो डेज ऑफ एक्सपायरी है थर्सडे फॉर निफ्टी और आइदर वेडनेसडे फॉर बैंक निफ्टी, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सेम इज फॉर द सेंसेक्स ऑल्सो, फ्राइडे उसको नहीं चेंज करेंगे आई थिंक सो। बट कहीं ना कहीं पे स्ट्रेटजीज चेंज जरूर हो जाएंगे। जब रोज एक्सपायरी होती थी तो मार्केट का एक अलग डायनामिक जो था वो मार्केट में वर्क करता था, बट अब व्हेन ओनली वन एक्सपायरी इज गोइंग टू बी देयर, देयर इज गोइंग टू बी इंपैक्ट ऑन द वे थीटा डीके हैपेंड ऑन एन इंट्राडे बेसिस। फॉर एग्जांपल पहले ट्यूसडे के ऊपर लोग फिन निफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस होते थे बिकॉज इट हैज टू गो टू जीरो बिकॉज इट वाज अ जीरो डीटी। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस होते थे, थर्सडे को निफ्टी के ऊपर फोकस होते थे। एक जो एलिमेंट खत्म हो गया हुआ था कि मंडे को बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर थीटा डीके नहीं होता था, आई थिंक वो चीज अब हमें देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेटजीज इंप्रूव भी कर सकती हैं, बट उनके ऊपर वर्क अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर अ नोटिफिकेशन फ्रॉम NSE इटसेल्फ कि हमें क्लैरिटी दे कि विच इज द इंडेक्स दे हैव डिसाइडेड कि वो रखने वाले हैं और उस इंडेक्स की एक्सपायरी कौन से दिन में होगी। वी विल बी रियली स्क्रूड अप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी का डे है वो भी चेंज होता था, बिकॉज इन दैट केस डाटा विल बी होली मेस्ड अप एंड वी विल नॉट हैव अ क्लू कि हमें आगे के लिए क्या करना है। सो आई थिंक डे चेंज नहीं होगा। अनदर थिंग दैट दे हैव डन इज उन्होंने मार्जिन इंक्रीज कर दिया हुआ। पहले जो नोशनल वैल्यू एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की रखी जाती थी 7 से 8 लाख के ऊपर, उसको 15 से 20 लाख कर दिया हुआ। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी 14 से 15 लाख की नोशनल वैल्यू के अंदर फ्यूचर में थे। वो अलग बात है कि थोड़े टाइम के बाद सेबी उनको या एक्सचेंज उनको स्प्लिट कर देती होती थी, उनकी क्वांटिटी कर देती होती थी, बट आई थिंक इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग वालों को फर्क पड़ेगा क्योंकि उनको जहां पे 1.5 लाख देना पड़ता था हो सकता है 4 साढ़े 4 लाख देना पड़ेगा, अगर कहीं पे 1 लाख देना पड़ता था 2.5 लाख देना पड़ेगा। एज फार एज द हेज्ड ऑप्शन इज कंसर्न, 50,000 के अंदर आप एक बियर कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड कर सकते थे, वो वैल्यू अब 1,20,000 तक चली जाएगी। अगेन वेरी इनसिग्निफिकेंट, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो 7-8 लाख की एक फिगर थी ये 2015 से चल रही थी, 2012 से चल रही थी। इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग जब बैंक निफ्टी को ट्रेड करते थे तो कहीं ना कहीं पे उसकी एक वैल्यू 125 पे भी थी आई थिंक सो, फिर उसके बाद 75 हुई, फिर उसके बाद 50 हुई, फिर उसके बाद उसको 25 किया गया, फिर उसके बाद 15 किया गया। जितनी बारी कम होता था उतनी बारी हमें उसको नया टेबल याद करना पड़ता था। स्पेसिफिकली इट हैपेंड विद द 15 टेबल ओवर ट्रेडिंग इन लार्ज क्वांटिटी। सो अब 15 से कितना कम कर देते, 10 पे या 5 पे। तो कहीं ना कहीं पे ये जो इंडेक्स की या स्टॉक्स की वैल्यू ग्रो कर रही थी कहीं ना कहीं पे तो वो कैचअप करेगा। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें मनी एक्स्ट्रा जरूर शेल आउट करनी पड़ रही है, बट 75 तक चला जाए या 50 तक चला जाए या 100 तक चला जाए, एंड बैंक निफ्टी का 15 से हो सकता है 25 या 50 तक चला जाए, अर्निंग्स पे फर्क नहीं पड़ेगा पर पैसा ज्यादा शेल आउट करना पड़ेगा। सेम इज द केस फॉर फॉर हेज्ड ऑप्शंस आल्सो। ठीक है, जहां पे 7 से 8 लाख का नोशनल वैल्यू थी और मान लो क्वांटिटी आती थी 1,000 की, वो क्वांटिटी अब इंक्रीज होकर 2,000 पर पहुंच जाएगी। सो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और जो चेंजेस किए हैं, एक्सपायरी वाले दिन कई लोग कैलेंडर्स का बेनिफिट लेते थे टू रिड्यूस द मार्जिन, दे यूज टू बाय कैलेंडर्स।
आई डोंट नो वो कितना ज्यादा कारगर है मेथड, बिकॉज जब आप एक कैलेंडर बाय करते हो देर इज अ रिस्क कि उसके ऊपर ज्यादा थीटा डिके हो सकता है करंट एक्सपायरी से। मार्जिन जरूर रिड्यूस हो जाएगा बट कहीं ना कहीं पे एक थीटा डिके का रिस्क उसके ऊपर भी रहता था। तो कितने लोग उसे यूज करते थे आई कांट से, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं था, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है ऑप्शन बाइंग के अंदर अपफ्रंट मार्जिन मांगना शुरू कर दिया होगा, सो आई बिलीव कि अगर कोई अच्छी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है तो ही इज मोस्टली मैक्सिमम ऑप्शन सेलिंग ही करता है, तो ये रूल उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला। आई सेड इट मेनी टाइम्स, रेगुलेटरी चेंजेस से ज्यादा ये जो एक रेगुलेटरी इंस्टेबिलिटी है इट हर्ट्स मोर, बिकॉज एवरी टाइम वी आर वर्किंग ऑन समथिंग एंड वी सेट इट अप द रेगुलेटर कम्स एंड इट डिसरप्ट्स एवरीथिंग। उसके अंदर प्रॉब्लम फंड हाउसेस को ज्यादा नहीं होती बिकॉज दे हैव अ डेडिकेटेड आईटी टीम जो उन सारी चेंजेस को मैनेज कर सकते हैं, बट इट्स अ स्मॉल ब्रोकर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स जिनको अडेप्ट करना पड़ता है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। केस इन पॉइंट एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पहले हम लोग भाव कॉपी का एक सिंपल सीएसवी वर्जन यूज करते थे, इन्होंने उसको चेंज करके यूडीआईएफ के ऊपर ले गए। दैट मीन्स जितने भी लोगों ने भाव कॉपी के ऊपर अपने कोड्स डेवलप किए हुए थे और उनको कोडिंग की नॉलेज नहीं थी, उन्होंने कहीं से करवाया था, द मोमेंट दैट चेंज फ्रॉम सीएसवी टू यूडीआईएफ द होल कोडिंग चेंज्ड। दैट मीन्स फॉर अ स्मॉल ट्रेडर इट वॉज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट दे हैव टू इनकर इन केस ऑफ गेटिंग अ डेवलपर टू आल्टर द न्यू डेरिवेटिव फाइल फॉर देयर नीड। सो आई थिंक दैट इज द वन थिंग दैट दैट इज द मोस्ट ट्रबल्ड पार्ट एज फार एज द सेबी इज कंसर्न्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो दैट दीज पर्टिकुलर चेंजेस आर गोइंग टू मेक मच ऑफ द डिफरेंस। बस ये है कि 20 नवंबर के बाद एल्गोरिथम्स की स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी। डू लेट मी नो वट आर योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर FNO ट्रेडिंग रूल्स विच सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड, सो डैट अगर किसी चीज़ को मैं नहीं कवर कर पाया तो शायद मेरी एनलाइटनमेंट हो जाए। थैंक यू।